ंग फ्रेंड्स अगेन बी डूइंग द कॉले एंड टुडे वी विल बी कम्प्लीटिंग द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इन दफेक्शमॉजी कॉलेरा जैसे कि आप जानते ये भी डायरियल डिजीज है इसमें जनरली कॉले कॉलेरा ओ वन होता है इसके टाइप्स हो सकते हैं या तो एक क्लासिकल हो सकता है या फिर इसका एक न्यू वेरियंट स्ट्रेन आया है एल एंड इट क्यूड बी ज़ीरो सॉरी ओ विब्रियो कॉलेरा ओवन को छोड़ के जितने भी विब्रय uh, होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन कॉलेरा विब्रयो वो भी करा सकते हैं डिजीज लाइक but these बट milder आर they एंड दे डू नॉट कॉट कॉज एपिडेमिक जो एपिडेमिकजिंग स्ट्रेंस है वो दैट इज़ ओवन एंड ओवन में भी क्लासिकल हैज़ नाउ गॉन मतलब कि इट इज़ नॉट एलिमिनेटेड बट बहुत कम केसेस मिलते हैं इसके द न्यू एक्चुअली एपिडेमिकज़ कॉज बाय एल ठीक है जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं वो होते हैं माइल्ड या एसिम्टोमेटिक अगर कोई टिपिकल केस आता है सो इट विल बी हैविंग सडन ऑनसेट ऑफ प्रोफ्यूज एफर्टलेस वाटरी डायरिया जो डायरिया होता है उसको हम कैसे नापते हैं इन बकेट्स क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ट्वेंटी लीटर्स एंड देन इट इज़ फॉलोड बाई वॉमिटिंग एंड यू क्योंकि आप ऑलमोस्ट ट्वेंटी लीटर्स एक डे में लूज कर देते हैं यू कैन हैव रैपिड डिहाइड्रेशन यू कैन हैव मस्कुलर क्रैम्स एंड यूरिन फॉर्मेशन भी नहीं होगा राइट एंड अनलेस यू डू नॉट हैलेक्ट्रोलाइज दैट यू हर लॉस यू कैन डाई एंड इट दैट इट इज़ लाइक थर्टी टू फोर्टी परसेंट टाइम्स ठीक है बट मोस्टली जो केसेज होते हैं वो होते हैं एसिमटोमेटिक बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है कि जो केसेज आप काउंट नहीं किए जाते क्योंकि एक तो उनकी सर्वेलेंस अच्छी नहीं होती है एंड ऑल्सो जो कंट्रीज है उनको डर होता है कि अगर हम लोगों को पता चलिए यहाँ कॉलेज तो लोग यहाँ ट्रैवल नहीं करेंगे ज़्यादा राइट देन वी हैव सीरो ग्रुप्स ओ वन एंड ओ वन थर्टी नाइन ठीक है जो ओ वन है दैट कॉजेज मेजोरिटी ऑफ आउटब्रेक्स ठीक है ओ वन थर्टी नाइन वॉज फाउंड इन बांग्लादेश दिस इज़ ए एम सी क्यू पॉइंट एंड इट इज़ ओनली कन्फाइंड इन द साउथ ईस्ट एशिया अगर कोई भी स्ट्रेन ओ वन नहीं है या फिर ओ वन थर्टी नाइन नहीं है देन इट इज नॉन कॉलेरा विब्रियो एंड इट कॉजेज माइल्ड डायरिया एंड दे आर नॉन एपिडेमिक ठीक है एल टोर इज अ वेरियंट ऑफ ओ वन ठीक है एंड ये जो देखा गया कि जो स्ट्रेन है ये सीवियर कॉलेरा कराता है इसमें हाई केस फेटेलिटी रेट्स होते हैं एंड इसलिए अभी एपेडमोलॉजिकल स्टडीज़ में स्ट्रेन देखने पड़ते हैं कि कौन सा स्ट्रेन है फॉर एग्जाम्पल अगर एक एरिया में सबको विब्री हो रहा है तो दैट इज़ ड्यू टू ओनली वन स्ट्रेन ठीक है तो अगर हमने एक इंसान में भी स्ट्रेन पता कर लिया तो बाकी लोगों में हमें पता करने की जरूरत नहीं है ठीक है रिसेंट स्टडीज़ हैव इंडिकेटेड दैट ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट्स द फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द बैक्टीरिया ठीक है इनएडिकुट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इज़ द की लोग अपना जो एरिया वो साफ़ नहीं करते बेसिकली कौन से एरियाज़ होते हैं पेरी अर्बन स्लम्स ठीक है जो लोग माइग्रेट करके आते हैं जिनको घर नहीं मिल पाते हैं एंड दे लिव इन दिस टेम्प्रेरी हाउसेज ठीक है जुग्गी झोपड़ी एंड बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है उनको उनको वाटर सप्लाई नहीं मिलती है सैनिटेशन उनकी अच्छी नहीं होती है एंड अगर वहाँ पे गलती से भी अगर कोई डिज़ास्टर हो जाए ठीक है तो क्या होगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो डिसप्लेस हो जाती है कैंप सेट किए जाते हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी उत्तराखंड में अगर फ्लड आई है ठीक है तो क्या होगा कि उन लोगों को रेस्क्यू करके एक जगह पे ले जाया जाएगा जहाँ कैंप्स होंगे जहाँ फ़ूड सप्लाई बांटा जाएगा एंड मेडिसिन बांटी जाएंगी तो वहाँ पे आउटब्रेक्स ब्रेक्स कॉलर होने के ज़्यादा चांसेस है ये हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे एपिडेमिक्स है अराइजिंग फ्राम द डेड बॉडीज आई थिंक दिस इज़ लिटल इम्पॉर्टेंट बिकॉज जैसे इबोला होता है या फिर कोई भी बैक्टीरियल या फिर इन्फेक्शस डिजीज़ होती है उनमें क्या होता है जो डेड बॉडीज़ है उनको बहुत ही डीप बरी किया जाता है सो तो दैट वो सॉइल के थ्रू फैलना जाए बट दिस इज़ नॉट द केस इन कॉलेरा एंड कॉलेज ए इंडिकेटर कि इट इज़ देर इज़ लैक ऑफ डेवलपमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में कॉले बहुत ज़्यादा है सो इट मीनस दैट देर इज़ लैक ऑफ सोशल डेवलपमेंट ठीक है अब हमने देखा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कॉले और ज़्यादा सीवियरली प्रजेंट करता है एंड इट इज़ बिकमिंग रेजिस्टेंट एंड विद ऑल दिस क्लाइमेट चेंज इट इज़ बींग फेवर्ड वेस्ट बंगाल को होम ऑफ कॉलेरा कहते हैं बिकॉज ऑफ द रिवर हुगली पर अब ऐसा नहीं है अब इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में कॉले होता है सो वेस्ट बंगाल इज़ नॉट द ओनली स्टेट जहाँ पे कॉले बहुत ज़्यादा मिलेगा एंड मोस्टली इट इज़ एल्टोर ठीक है एंड नाउ पर अब बात ये कि मोटेलिटी रेट्स कम हो गए आउट ब्रेक्स नहीं है फॉर एग्जाम्पल कोई मेला वेला लगता था तो कहा जाता था कि अब होगा ठीक है मोटेलिटी रेट्स की वजह से पर अब ऐसा नहीं है सो यू कैन सी एल टॉर के तीन तरह के सीरो टाइप्स होते हैं आगे हम पढ़ेंगे पर इंडिया में सबसे कॉमन है ओगावा ठीक है इट इज़ एपिडेमिक एंडेमिक ठीक है इंडिया में एंडेमिक एंड एपिडेमिक्स ठीक है एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोनो, agent as well as the environment, दोनों एजेंट एज वेल एज द एन्वायरमेंट दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं लाइक वी हैव रेड इन एपेमोलॉजिकल ट्राइंगल एजेंट कैसा होना चाहिए एक तो उसकी एबिलिटी हो कि वो सर्वाइव कर सके एक एन्वायरमेंट में वो वेरेलेंट होना चाहिए जितना ज़्यादा वेरेलेंट होगा उतनी ख़तरनाक डिज़ीज़ होगी जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा खतरनाक होगा कॉले एक्चुअली डोज डिपेंडेंट होता है ठीक हो है जितनी ज़्यादा डोज लेंगे आपको उतना ज़्यादा कॉले होगा एंड इट इज़ ऑल्सो इन्वायरमेंट ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा वार्म है मॉइस्ट है तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया वो ईज़िली ग्रो कर पाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन्वायरमेंट बहुत सारे लोग हैं तो वो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर पाएगा ठीक है कोलेरा कैन ओनली क्रिएट प्रॉब्लम इन एरियाज़ वेयर सैनिटेशन इज डिफेक्टिव तो सैनिटेशन इज द की कोलेरा में वन की टू रिमूव कॉलेरा सैनिटेशन जो फर्स्ट टाइम हम उठाते हैं एट द टाइम ऑफ एपिडेमिक्स ठीक है कि एपिडेमिक्स अब्रप्ट होते हैं एकदम से आते एकदम से फैलते एकदम से डेथ कॉज करते हैं चुटकी है, में चुटकी मतलब में नहीं मतलब बहुत डेज में ठीक है एंड जैसे ही एक पीक आती है देन दे सबसाइड ग्रेजुअली ठीक है एज फोर्स ऑफ इन्फेक्शन डिक्लाइंस फोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है इसके दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं ठीक है फोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है पहला इन्फेक्शन क्या होता है थ्रू वाटर एक तो वाटर भी फैला रहे हैं इन्फेक्शन एंड कॉन्टैक्स इसके क्योंकि ज्यादा सब क्लिनिकल केसेज है तो वो भी फैला रहे हैं तो दो फोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन होते हैं वाटर एंड कॉन्टैक्ट्स अगर हम वाटर को साफ कर भी दें अगर उसको कंटानमिनेटेड वाटर को एलिमिनेट कर भी दे ठीक है देन इट प्रोड्यूस समथिंग विच इज ओन अ स्केल मतलब कि एंडेमिक अब एंड होने ही वाला है हमें टेल साफ़ करनी है टेल इज़ द पीपल हु आर कॉन्टैक्ट्स हु आर कैरियर्स ठीक है देन इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ ठीक है एंड इट गिव्स टेम्प्रेरी इम्यूनिटी एंड इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लार्ज सब क्लिनिकल केसेस होते हैं जो कॉलेरा होता है ठीक है एक लाइन है कि जहाँ पे कॉले एंडेमिक होगा वहाँ टाइफाइड इतना एंडेमिक नहीं होगा कॉले में सीजनल फ्लक्चुएशंस दिखते हैं लाइक इन समर इट इज़ इन कोलकाता पर मोस्ट ऑफ द इंडिया में इट इज इन रेनी सीजन ऑगस्ट एल्टोर होता है एल्टोर में हायर इन्फेक्शन टू केस रेशियो होता है ठीक है कि इसमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा लोगों में होगा इन कंपेरिजन टू केस ठीक है तो इसमें भी असिम्टमेटिक केसेज ज्यादा होंगे पर अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं देन इट वुल बी सीवियर इन कंपेरिजन टू द क्लासिक कॉले ठीक है फेट ऑफ विब्रियो कॉलेरा इन इंटर एपेडेमिक पीरियड जब कॉलेरा uh, अपेडेमिक नहीं करा रहे थे वो करता क्या है एक तो वो कैरियर्स में ज़िंदा रहता है जो एसिम्टोमेटिक केसेज हैं उनमें जिंदा रहता है एंड इट इज़ ऑल्सो फ्री लिविंग क्रिएचर तो ये इन्वायरमेंट में भी जिंदा रहता है ठीक है सो ये टाइम टू टाइम वापस आता है एंड इट डज इट्स जॉब एपिडेमिक्स कराता है आउटब्रेक्स कराता है ठीक है देन जो ओ वन है ओ ग्रुप वन दिस इज एपिडेमिक स्ट्रेन ठीक है या फिर ओ वन थर्टी नाइन इट इज़ ऑल्सो एपिडेमिक स्ट्रेन ठीक है जो विब्रो कॉलेरा है ठीक है जो ना कि जीरो ओ वन है या फिर ओ वन थर्टी नाइन है उनको, उनको हम कहते हैं नॉन एग्लूटिनेटिंग या फिर नॉन कॉलेरा विब्रियोज ठीक है तो अगर एक सैम्पल है जिसमें विब्रियो है एंड मैं उसमें ओ वन या फिर ओ वन थर्टी नाइन का एंटी सिरम डालूँ अगर उसे वो एग्लूटिनेट ना करें देन इट इज़ नॉन कॉलेरा विब्रियो एंड दीज आर नॉन एपिडेमिक स्टेट्स स्ट्रेंट्स ठीक है एग्जाम्पल इज़ पैरा बट इट कैन कॉज आउटब्रेक्स वेरी लेस ठीक है बहुत कम बार करता है एंड इट अगेन इज डायरिया ओवन में आई ऑलरेडी रोल क्लासिकल एंड एल्टोर होता है एल्टोर के तीन स्ट्रेन होते हैं सीरोलॉजिकल सीरोप्स होते हैं सॉरी इनाबा ओगावा हीकोजीमा एंड ओनागा नागा उगावा उगावा इज कॉमन इन इंडिया ठीक है एल्टोर इज नोन फॉर इज हिमोलिटिक प्रॉपर्टीज ठीक तो है पर ये विद पेंडेमिक हैज गॉन सो इट इज़ नॉट हिमोलिटिक बट इट कैन एग्लिटिनेट विद चिकन एंड शीप इथ्रोसाइड ठीक है कॉलेरा को इजिली बॉयल करके मार सकते हैं सो इफ़ यू हैव एपिडेमिक यू रिक्वेस्ट पीपल की पानी पियो तो यू हैव टू बॉयल इट एंड यू कैन यूज़ क्रिसोल एज अ डिस ठीक है जो एल्टोर है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट है टू मेडिकेशंस एंड टू द डिसिनफेक्शन देन द क्लासिकल विब्रियोज ठीक है विब्रियो क्या करते हैं ये स्टमक में जाते हैं दे प्रोड्यूस अ एंटेरोन और एक्सोटॉक्सिन एंड हाउ दे एक्ट दिस एक्सोटॉक्सिन ये सेल में साइक्लिक ए एम पी की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं बाय एडेनाइल साइक्लेस ठीक है एंड दे डू नॉट अफेक्ट एनी बॉडी ऑर्गन एक्सेप्ट फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन सो यू हैव टू रिमेंबर दैट दे इंक्रीज द नंबर ऑफ साइक्लिक ए एम पी बाय एडेनाइल साइक्लेस इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है ह्यूमन इज द ओनली रज अ ठीक है इसमें केसेस हैं कैरियर्स हैं वो फैलाते हैं एंड जो केसेस जो इनपेडेंट in इफेक्शन है जो एसमटोमैटिक है वो ज़्यादा फैलाते हैं ठीक है देन जो मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं पर वो फीसिस में शेड करते हैं मोस्टली वन टू टू वीक्स टू वीक्स से याद रखेंगे हम और ट्वेंटी परसेंट पीपल में अपनी एक्चुअल डिजीज करा है लाइक दैट राइस वाटर डायरिया एंड मोस्टली कौन से लोग होते हैं जिनमें लो इम्यूनिटी है जैसे मैल नरिश चिल्ड्रेन है ठीक है मैल नरिश चिल्ड्रन के मिलता है मीजल्स में तो अगर आप बच्चों को मीजल से वैक्सीनेट कर देंगे तो उनको मीजल्स नहीं होगा देन दे विल नॉट गेट मैल नरिश एंड दे विल नॉट ईजिली कैच डायरिया एच में ठीक है एंड माइल्ड केसेस होते जो हैं जो फैलाते हैं एंड द कैरियर्स आर यूजली टेम्परेरी दे आर नेवर क्रॉनिक दे कैन बी क्रॉनिक बट दैट इज़ वेरी रेयर ठीक है एंड एक बात होती है कि कैरियर्स जो होते हैं फ्यूअर विबडियोज एक्सक्रीट करते हैं है, दैन क्लिनिकल केसेज़ तो उनको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है सो तो हम क्या करेंगे उनको पर्च स्टूल्स कराएंगे मतलब उनको स्टूल्स इंड्यूस कराएंगे तो हम उनको मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं दिस इज़ अ पर्जेटिव ठीक है थर्टी टू सिक्सटी तो ग्राम एंड फिर हम उनको वाटर दे देंगे हंड्रेड एम एल वायर माउथ एंड दे कैन पर्च द यूरिन जो यूरिन है सॉरी स्टूल्स हैं उनको इंड्यूस करवाते हैं एंड फिर इन स्टूल्स में वी कल्चर द बैक्टीरिया वी कैन टेक स्टूल्स वी कैन टेक वामिट ठीक है एंड लार्जर नंबर ऑफ यूबियोज होते हैं पेशेंट्स में इन कंपेरिजन टू दी कैरियर्स कॉलराइज डोज रिलेटेड टेन टू द पावर इलेवन ऑर्गेनिजम्स चाहिए आपको डिजीज कराने के लिए ठीक है एंड इट इज़ फॉर वन वीक इट इज़ इन्फेक्शियस कोवलिसेंट एक बार आप ठीक हो गए देन इट इज़ टू वीक्स फॉर योर इन्फेक्शियस ठीक है जो कॉलेरा कैरियर है दे कैन बी डिफाइंड एज हेल्दी पीपल हु आर एक्सक्रीटिंग विब्रो कोलेरा इन स्टूल्स तो इसके चार टाइप्स होते कैरियर्स के फर्स्ट इज प्री क्लिनिकल प्री क्लिनिकल मतलब इनको इंक्यूबेशन पीरियड में ही शेड कर रहे हैं कोलेरा का जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज़ वेरी स्मॉल इट कैन बी फ्यू आवर्स टू फाइव डेज ठीक है एंड ठीक है एंड डीज इंक्यूबेटरी कैरियर्स आर पोटेंशियल पेशेंट्स के बाद में इनको डिजीज़ हो जाएगी कोवलिसेंट कैरियर्स जो ठीक हो गए हैं एंड स्टिल दे आर शेडिंग दैट इज़ टू वीक्स टू टू थ्री वीक्स एंड ये वो लोग होते हैं जिनको एडिक्वेट या फिर सफिशेंट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं मिला है कॉन्टैक्ट और हेल्दी कैरियर्स डीज आर सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस इनमें क्या होता है कि जनरली वही है कि एक हफ्ते तक ये करते हैं शेड uh, uh, एंड जो इनका गॉल ब्लैडर है दैट इज़ नॉट इन्फेक्टेड लाइक इन टाइफॉइड दे गो इन टू द गॉल ब्लैडर एंड दे कॉन्टिन्यूअसली सिक्रीट एक्सक्रीट दीज़ बैक्टीरिया स्टूल कल्चर देखते हैं इसमें ठीक है एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये फैलाते हैं क्रॉनिक कैरियर्स रेयर होते हैं अगर होते हैं तो इट इंडिकेट्स कि उनके गोल ब्लैडर में होगा ठीक है सो टू फाइंड अ कैरियर वॉट वी डू इज कि एक तो हम उनका स्टूल लेंगे ठीक है एंड वी हैव टू इंड्यूज बिकॉज उनमें कम होते हैं वी हैव टू प्रॉपरली कल्चर दें ठीक है वी कैन ऑल्सो यूज एंटीबॉडी टाइटर देखने के लिए कि अगर किसी इंसान में एंटीबॉडी टाइटर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं एंड स्टिल ही इज़ नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स दैन ही कैन बी अ पोटेंशियल कैरियर जनरली बच्चों को अफेक्ट करते हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं एंड बच्चे में ज़्यादा उभर के आते हैं क्योंकि उनमें इम्यूनिटी जनरली लो होती है ठीक है इफ़ेक्टिव बैरियर जो है वो है हमारा एसिड अगर किसी को एक क्लोराइड है जिसकी बॉडी में अगर एसिड नहीं है अगर वो फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोटोन पम्प इन्हीबिटर्स ले रहा है देन ही कैन हैव कॉले ठीक है मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं और फैलाते हैं ठीक है फ्रॉम अर्बन टू रूरल या फिर फ्रॉम डेली टू बॉम्बे लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा होते हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन वैक्सीनेशन इसमें हम दे सकते हैं पर इट इज़ ओनली पार्शल इम्यूनिटी तीन से छः महीने तक ही आप प्रोटेक्टेड है ठीक है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से पहलते सो इवन वैक्सीनेशन इज नॉट द आंसर आंसर इज द बेसिक्स यू हैव टू मेंटेन द वाटर सप्लाई वाटर सप्लाई साफ होनी चाहिए यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स डन दैट ह्यूमन हैबिट्स जो इंडिया में देखी जाती है रिगार्डिंग वाटर सॉइल पोल्यूशन लो स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड लैक ऑफ एडुकेशन एंड पोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ फिकली कंटामिनेटेड वाटर होता है तो जो वाटर सोर्सेज हैं उनको फ्री करना पड़ता है इन कंटेमिनेशन से बॉटल फीडिंग कुड बी ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर टू इन्फेंट्स जो छः महीने से कम बच्चे होते हैं उनको हम जनरली बॉटल फीडिंग के लिए मना करते हैं ठीक है एंड जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ठीक है वो कंटेमिनेटेड वाटर में अगर धुली हो तो वो भी करा सकती हैं एंड जो कुक फूड है उसको बंद करके रखना होता है सो दैट उस पर मक्खियाँ ना बैठे पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इज़ बाय कंटामिनेटेड फिंगर्स ठीक है अगेन इंक्यूबेशन पीरियड इज़ वन टू फाइव डेज पैथोजेनेसिस इसका मेन सिम्टम डायरिया है एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड मेनी थियोरीज व गिवन कि कॉले कैसे कराता है बट द करंट कंसेप्ट इज कि कॉलेरा क्या करता है इट वो जाके इंटेस्टाइनल एपिथीलियम से चिपक जाता है एंड इट एन एंजाइम कॉल म्यूसिन जो भी म्यूकस होता है इंटेस्टाइनल उसको हटा देता है अपने रास्ते से एंड देन इट अडेयर्स ओके एडेर्स बाय गैंग्लियोसाइड एक्स में क्या होता है दो टॉक्सिंस होते हैं लाइट एंड हैवी लाइट क्या करता है एपिथेलियल सेल से अटैचमेंट में हेल्प करता है बाय गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स ठीक है दिस बाइंडिंग इज इ देन एच है एच क्या करेगा एडेनाइल साइक्लिस से साइक्लिक ए एम पी बढ़ाएगा साइक्लिक एम पी क्या होता है एक एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जो फ्लूड एंड आयस को एक्टिवली सिक्रिएट करता है इन टूल्यू में तो जहाँ भी आयंस जैसे सोडियम वगैरह जाएंगे वहाँ वाटर आएगा सो इट लीज टू आइसोटोनिक सिक्रीशन इंटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दैट फॉर्म्स डायरिया ठीक है एंड पेरिस्टाइलसिस इसमें इंक्रीज नहीं होती है ठीक है कॉलेरा गट को छोड़ के और कहीं एक्ट नहीं करता है ठीक है सिवियरिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ऑन द पर्सन ठीक है ऑन द एजेंट ऑन द इन्वायरमेंट ऑन द डोज उसने कितनी खाई है एंड इट इज़ करेक्टराइज बाय रैपिड मतलब ये बहुत ही अब्रप्ट ऑनसेट होता है एंड जो फ्लूड है वो एकदम से लूज होने लगता है ठीक है मोस्टली एल्टोर के केसेस माइल्ड होते हैं ठीक है पर अगर वो सिमटोमेटिक होता है दैन दे आर वेरी वेरी डेंजरस सीवियर स्टेट ऑफ इवैक्यूएशन में आते हैं इसमें क्या होता है कि यू आर प्रोफ्यूजली गिविंग आउट वाटरी डायरिया एंड देन दैट इज़ फॉलोड बाय वॉमिटिंग इसमें हालत इतनी ख़राब होती है कि यू हैव एटलीस्ट पास फोर्टी टाइम्स स्टूल इन द डे राइस वाटरी अपियरेंस होती है जब आप इतना जो वाटर uh, लूज़ कर चुके हैं बॉडी में देन यू कोलेप्स देन इट्स स्टेज ऑफ कोलैप्स देन यू गोइंग टू सीवियर डिहाइड्रेशन आप डिहाइड्रेशन कैसे चेक कर सकते हैं फॉर एग्जांपल संकन आई बॉल्स यूर चीक्स आर हॉड ऑड योर अब डोमिनस कैफोइ मतलब अंदर की तरफ चला गया पेट ये सब नॉर्मल टेम्परेचर आप ठंडे पड़ गए यॉशमैंड हैंड एंड फीट ठीक है आपके हैंड्स में इलास्टिसिटी चली गई ऑल ड्रिंकल्ड एंड ऑल एबसेंट पल्स पल्स बहुत वीक है आप में यू डोंट हैव वाटर इन यू लिक्विड नहीं है आप में अन रिकॉर्डेबल ब्लड प्रेशर है लूज़ ऑफ इलास्टिसिटी स्किन इलास्टिसिटी अगर आप स्किन को पिंच करेंगे तो वो वापस एकदम से अपनी जगह पर नहीं जाएगी कि यू हैव शालो एंड क्विक रेस्पिरीशन एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ एसिड ओसेज सो अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं एक तो आपके अंदर वाटर नहीं है यू आर डिहाइड्रेटेड एंड यू हैव एसिड ओसेज दीज आर द थिंग्स दैट कॉज डेथ अब बहुत ज़्यादा इंटेंस थर्स्ट हो गया आपके लेग्स में क्रैम्प्स आ जाएंगे ठीक है देन स्टेज ऑफ रिकवरी अगर आप मरे नहीं हैं अभी तक इन चीज़ों से देन क्या होगा कि अपने आप ठीक होने लगेगा सो so हाउ कैसे होगा एक तो आपका ब्लड प्रेशर वापस आएगा आपका टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल आपकी यूरिन स्क्रीशन रीस्टैब्लिश हो जाएगी पर अगर अगर आपकी यूरिन एक्सक्रीशन री एस्टैब्लिश नहीं हुई है देन यू हैव एनरिया एंड यू डाई ऑफ रीनल फेलियर ठीक है सो so जो क्लासिकल है ओनली फाइव टू टेन परसेंट लोगों में इतना ख़तरनाक रहता है एंड माइल्डर केसेज होते हैं वही वन टू थ्री डेज़ में रिकवर कर जाते हैं जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी चले भी जाते हैं एल्टॉल की बात करें तो इसमें सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन ज़्यादा है इसमें राइस टूल्स हमेशा मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है ठीक है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है ना राइस टूल्स इसमें मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है इसमें सेकेंडरी केसेज मतलब ये इतना इंफेक्टिव नहीं है अगर आपके घर में किसी को हुआ है तो जरूरी नहीं है कि सबको हो जाएगा ठीक है इसमें क्रॉनिक कैरियर्स होते हैं एंड ये बाहर वाले इन्वायरमेंट में एक्स्ट्रा इंटरसैनल इन्वायरमेंट में ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकता है डायग्नोसिस क्लिनिकल ग्राउंड्स पर नहीं बनानी चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ़ दिस कॉलेरा आर सिमिलर टू अदर डायरियल डिजीज ठीक है सब क्लिनिकल ग्राउंड्स पे नहीं कर सकते यू हैव टू कंडक्ट द लैब्स अब फ्रेश चूल सैम्पल लेंगे एंड यू हैव टू टेक इट बिफोर द एंटीबायोटिक्स गिवेन सो दैट जो बैक्टीरिया वो मरना जाए इसमें एक होता है रबर कैथियेटर इसमें हम एक कैथियेटर लेते हैं ठीक है थीके? एंड वी ल्यूब्रिकेट विद पैराफिन वैक्स एंड फिर हम उसको रेक्टम में डालते हैं फोर टू फाइव सेंटीमीटर एंड देन वी कलेक्ट द स्टूल एंड फिर हम उसको ट्रांसपोर्टिंग मीडियम्स में डालते हैं यू कैन रिमेंबर वें वेंटरामन रामाकृष्ण मीडियम इट इज़ एन इंडियन मीडियम सो यू कैन रिमेंबर दैट अल्कलाइन पेप्टोन वाटर स्वाब्स ले सकते हैं ठीक है स्वाब्स में क्या होगा यू विल टेक अ काटन स्टिक विधन स्टिक विद कॉटन एट वन एंड ठीक है देन यू विल जेंटली टेक द स्वाब ठीक है एंड देन यू विल डिप डिपेड टू द होल्डिंग मीडिया ठीक है वॉमिटर्स हम नहीं लेते प्रैक्टिकली ठीक है वाटर जहाँ हमें लगता है अगर इस वाटर की वजह से हो रहा है कॉले इसमें बैक्टीरिया इसने फैलाया है देन वी कैन टेक वन टू थ्री लीटर्स ऑफ दैट इन स्टेराइल वाटर एंड वी हैव टू क्विकली डिस्पैच इट ठीक है क्विकली इसको लेबॉरेटरी भेजना है फूड में हम वन टू थ्री ग्राम्स ले सकते हैं सैम्पल की हाँ इससे हुआ है कॉले ठीक है स्टूल शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन मैक मै काटनी बॉटल्स ठीक है वेंकट रामा रामाकृष्ण मीडन कैन बी टेकन एल्कलाइन पेप्टोन वाटर कैन बी टेकन कैरी ब्लेयर मीड कैन बी टेकन एक बात याद रखना कि वन ग्राम और वन एम ऑफ़ पीसेज इन हंड्रेड एम ऑफ होल्डिंग मीडियम इज सफाइज ठीक है देन अगर बायल सॉल्ट अकार प्लेटिंग किस में करेंगे बाइल सॉल्ट आकार में पुराने ज़माने में क्या होता था कि डॉक्टर यूज टू कैरी सॉल्ट एंड बेड साइड मतलब पेशेंट के साइड में उसके ही घर में ही कैन कल्चर इट एंड देन टेक टू द लैब्स ठीक है जब हम डार्क फील्ड में देखेंगे तो विब्रोज आर मोटाइल ठीक है एंड दे हैव डार्टिंग मोटिलिटी ठीक है सो दे हैव शूटिंग दे हैव अपियरेंस ऑफ शूटिंग स्टार्स इन अ डार्क स्काई अगर मैं इसमें एंटी सिरा डाल दूँ तो क्या होगा विब्रियो के जो पार्ट्स है जो उसकी टेल है दैट विल बी गॉन इट इज़ अ कर्व पैसेला है राइट एंड इट हैज टू फ्लैजलाज ऑन द टॉप वन फ्लैजुला ऑन द टॉप तो अगर वो वन फ्लैजुला के अगेंस्ट में एंटी सेरा डालू देन इट इज़ नो लॉन्गल मोटाइल ठीक है हम इसमें बाइल सॉल्ट अकार मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव कर्व ड्रॉड ठीक है एड इसमें शिंटलिंग शिटिलेटिंग टाइप ऑफ मूवमेंट होती हैंग ड्रॉप मेथड दैट ओनली आई टोल्ड यू एग ल्यूटिनेशन अगर ये पॉजिटिव है सो इट मीनस इट कैन बी एल्टॉर बिकॉज आई टुलट एग लूनिटेट्स विद दी शीप आर बी सी देन वी विल सी कि इनाबा उगावा ये फिर कौन सा है बाई यूजिंग द एंटी सीरा बाय केमिकल्स टेस्ट में वी कैन यूज शुगर ब्रॉथस ठीक है ये मैनोज एंड सुक्रोज को कर देता है मेटाबोलाइज एसिड बनाता है उनकी हेल्प से एंड दिस इज नॉन एज कॉलेरा रेड रिएक्शन वी कैन ऑल्सो यूज़ ऑक्सीडेज एंड स्ट्रिंग टेस्ट दीज आर ऑल गिवन इन माइक्रोबाइलॉजी अनंत नारायण कंट्रोल ऑफ कॉलेरा की बात करें तो ऐसा कहा गया है कि अगर कहीं पर भी कॉलेरा का आउटब्रेक ऐसा माना जाता है तो एनी डायरल डिजीज डू टू एनी एनी कोई भी प्रजेंटिंग फीचर हो कोई भी ट्रीटमेंट हो चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो ऑल ऑल डायरल डिजीज को ट्रीट करना है पैथोफिजोलॉजी ढूंढनी uh, है उसकी वी हैव टू कंट्रोल इट सो अगर कहीं पे भी एकदम से बहुत सारी डायरियल डिजीज है वी कैन नॉट रूल आउट कॉलेरा ठीक है कॉले की जो प्रेजेंटेशन होती है बहुत वेरिएबल होती है ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको राइस वाटर स्टूल मिले ठीक है सो इफ़ यू हैव इंफॉर्मेशन कि कॉले फैल रहा है देन एनी डायरियल डिजीज शुड नॉट बी लेट गो ठीक है इवन दो आपको पता है कि ये हो ही नहीं सकता देन ऑल्सो यू हैव टू टेक दैट डिजीज इन टू कंसिडरेशन वेरिफिकेशन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंफर्म करना कि आउटब्रेक हुआ है कि नहीं एज क्विकली एज पॉसिबल एक बार आपने कर लिया है ये कंफर्म देन यू विल टेक स्टूल फ्रॉम वन ऑफ द केसेस एंड फिर आप देखोगे इसमें कौन सा स्ट्रेन है जनरली जो स्ट्रेन एक इंसान में मिलता हो सकता है वो सब में ही हो ठीक है सो आपको सबका स्टूल करने की ज़रूरत नहीं है देन नोटिफाई करना है अथॉरिटीज़ को ठीक है एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एक एरिया कॉलरा फ्री तब कहेंगे जब ट्वाइज द इंक्यूबेशन पीरियड हैव इलेप्सड सिंस डेथ रिकवरी और आइसोलेशन ऑफ लास्ट केस एंड दैट इज़ टेन डेज अग्रेसिवली सर्च करना है केसेस के लिए क्योंकि फैला रहे हैं ठीक है अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है किसी पेशेंट को देन यू कैन गिव हिम ओ आर एस अगर सीवियरली डिहाइड्रेट पेशेंट है देन यू हैव टू गिव हिम इंट्रावीनस फ्लूड्स स्टार्टिंग में हम इंट्रावीनस फ्लूइड्स देते हैं या फिर अगर वो ओरली कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है एंड टेक हिम इन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड एक बार उसको आई वी लगा दिया एंड ही इज़ एबल टू टेक देन यू कैन गिव हिम ओ आर एस ठीक है जनरली हम कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल पास में हो या फिर कोई भी स्कूल या फिर जिम या फिर स्टेडियम हो वहाँ पे हम उनको ले जाएं क्योंकि हम जितना दूर जाएंगे उतना डिजीज़ फैलने के चांसेस होते हैं ठीक है एंड मैनी प्लेसेस में मोबाइल टीम्स होती है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं दैट डिस्पैच टू दीज एरियाज ठीक है ताकि लोग बाहर ना आए अपने जोन से ठीक है रिहाइड्रेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी ठीक है एट जंगस टू थेरेपी जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि पहले अगर कोलेप्स हो गया तेन डेथ है लेकिन अगर वो कोलेप्स नहीं करता है उसको डेथ नहीं होती है ड्यू टू रिहाइड्रेशन देन ही विल बिकम फाइन ठीक है बहुत ही कम पेशेंट्स में होगा दैट ड्यू टू एनोरिया दे कैन गो इन टू रिनल फेलियर ठीक है एंटीबायोटिक्स तभी देंगे जब वॉमिटिंग स्टॉप हो जाए ठीक है एंड द विच इज यूजली आफ्टर थ्री टू फोर आवर्स ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट में वी हैव फ्लोरोनोनॉन्स टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन एम्पिसलिन ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है एंड कॉट्रीमसेसोल नो अदर मेडिकेशन शुड बी गिवन टू ट्रीट कॉलेरा ठीक है जैसे हमने एंटीबायोटिक्स दे दी तो एंटीडायरल देने की जरूरत नहीं है एंटीएमेटिक्स देने की जरूरत नहीं है एंटी स्पासमोटिक ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं हम आगे पढ़ेंगे क्यों ठीक है अगर किसी इंसान को दवाई देने के बाद भी दो दिन में भी आराम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि हो सकता है वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है देन वी स्विच ओवर क्योंकि कॉलेरा इज ऑल्सो गेनिंग रेजिस्टेंस जो इन्वेस्टिगेशन है यही है कि जनरल सैनिटेशन को जितना जल्दी हो सके कर दो क्योंकि वी हैव सीन वैक्सीन आर नॉट ऑफ एनी यूज थ्री टू सिक्स महीने में आपको इम्यूनिटी तो मिल जाएगी पर उसके बाद क्या थ्री टू सिक्स मंथ्स आर इनफ टू कंट्रोल वाटर सप्लाई वाटर सप्लाई को सबसे पहले सिक्योर करना और सबको साफ़ पानी भेजना है दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी ठीक है अल्टीमेट एम एक तो परमानेंट बेसिस पे होना चाहिए कि कहीं पे अगर किसी कम्युनिटी में बहुत दूर है कुएँ या फिर ऐसा है तो वहाँ पे पाइप वाटर सप्लाई लगाई जाए ठीक है ताकि जो ऑल्टरनेट अनसेफ वाटर जैसे कुएँ का पानी है या फिर ऐसा है अगर वो गंदा है तो वो नहा ले लोग मजबूरी के कारण ठीक है पर इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे फाइनेंशियल लिमिटेशन है ये अभी एक धीरे धीरे करके हम ले रहे हैं वी कैन नॉट डू इट इमिडिएटली ठीक है इन रूरल एरियाज़ वाटर को बॉयल करना चाहिए एंड देन दे कैन ऑल्सो भी क्लोरीनेटेड सैनिटरी लेट्रिंस बनाने चाहिए क्योंकि इट इज फीकोरल ठीक है हेल्थ एडुकेशन देनी चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग गर्म खाना खाना चाहिए जो यूटेंसिल्स हैं उनको बहुत ही साफ पानी से साफ करना चाहिए एंड उनको ड्राई करना चाहिए आफ्टर यूज़ ठीक है मोस्ट इफेक्टिव डिसइनफेक्टेंट फॉर जनरल यूज कोल्ड टार डिसंफेक्टेंट है इसके लिए हम यूज़ करते है, radial walker coefficient. So MCQ, हैं रीडियल वॉकर कोफिशेंट ठीक है एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर क्रिसोल ऑल्सो सो दिस इज़ एम सी क्यू डेट यू हैव टू रिमेंबर कि मोस्ट इफेक्टिव डिस इन्फेक्टें कोल्ड टार हैं एंड क्रिसोल इज़ ऑल्सो इन वेरी गुड ठीक है मास क्रीमो कीमोप्रोफेलेक्सिस इज नॉट एडवाइज ठीक है क्योंकि एक केस को एक सीरियस केस को प्रिवेंट करने के लिए हम सौ लोगों को ड्रग्स नहीं दे सकते सौ हजार दस हज़ार ठीक है बिकॉज जो ड्रग है उसका इफेक्ट शॉर्ट लिफ्ट है गेट डिजीज बार बार हो सकती है दिस डज नॉट गिव लॉन्ग लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ठीक है सो so कीमोप्रोफेलेक्सिस उनको ही देना है जिनके घर में केस हैं टेट्रासाइक्लिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफेलेक्सिस मैंने बीच में एरेथ्रोमाइसिन इसलिए लिखा है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई प्रेगनेंट वीमन है यू के नॉट गिव हर टेट्रासाइक्लिन या फिर अगर दो साल से कम बच्चे हैं देन यू के नॉट ऑल्सो गिव देम टेट्रासाइक्लिन ठीक है बिकॉज टेट्रासाइक्लिन एक्चुअली स्टनज द ग्रोथ बोन ग्रोथ को वो रोक देता है देन वी गिव इरेथ्रोमाइसिन एक एम से क्यों ये भी आती है अगर किसी को सिंगल डोज में निपटाना है देन यू गिव डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन टेट्रा तीन दिन के लिए देते हैं डेली ट्वाइस ठीक है एंड 500 ग्राम एम एम जी फॉर अडल्ट एंड ट्वेंटी ग्राम एम जी फॉर चिल्ड्रेन वैक्सीनेशन की बात करें देन वी हैव डुक्रॉल सैन सेंचोल एम ओ आर सी वी वैक्स एंड यू वी चॉल आप इसमें से दो तीन याद कर लीजिए जैसे सेंचोल एंड एम ओ आर सी वैक्स ठीक है जो डुक्रॉल है इट इज़ होल किल्ड सेल एंड फॉर्मली एंड इसमें हमने रिकॉम्पोनेंट भी डाला है सो इट इज़ अ मिक्सचर ठीक है एंड ये सैशे होता है ठीक है इन साशे में हम क्या करते हैं ग्रैन्यूल्स डाल देते हैं सो इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक एसिड इसको दो डोजेज देते हैं वन वीक अपार्ट एंड चिल्ड्रेन में इनको तीन डोजेज देते हैं जो टू से फाइव ईयर्स के होते हैं ठीक है एक घंटे पहले या बाद में खाना नहीं लेना चाहिए पानी नहीं पीना मतलब कुछ ड्रिंक नहीं करना चाहिए बिकॉज एसिड बन सकता है पेट में एंड दैट कैन हार्म दीज वैक्सीन ठीक है एंड जो इंटरवल है बिटवीन द इम्यूनाइजेशन दैट शुड नॉट बी डिलेड फॉर मोर देन सिक्स वीक्स ठीक है अगर हो गया डिले देन यू हैव टू स्टार्ट अग इन द इम्यूनाइजेशन एंड जो प्रोटेक्शन है दैट इज़ फॉर ओनली वन वीक्स सो इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव एंड लेस देन वन टू ईयर्स ऑफ एज में नहीं देना है देन यू हैव सेंचॉल दिस इज़ अ लिक्विड डोज ठीक है कि हम लेस देन वन मतलब लेस देन वन ईयर बच्चों में नहीं देंगे एंड दिस इज़ फॉर फोर्टीन डेज अ पार्ट हेल्थ इरीगेशन की बात करें सो दिस इज़ द प्रोफाइल एक्सेस जो हमें लेना है पहला तो ये कि वाटर सप्लाई एकदम सिक्योर कर लो दैन हेल्थ एडुकेशन सो ओवरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एक तो इस ये बहुत ही सिंपल है कोई भी कर सकता है ठीक है घर पर भी बन सकता है इसको प्रमोट करना हैंड वॉशिंग करना ठीक है एंड कॉले जो है इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ पुअर एंड इग्नोरेंट एक तो जो गरीब है और जो इग्नोरेंट है अपनी हेल्थ को लेकर जो हाथ नहीं धोते चाहे वो कितनी अमीर क्यों ना हो दे विल ऑल्सो गेट कॉलेरा ठीक है ओ आर एस इज़ प्रोमोटेड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ठीक है वी डो नॉट गो फॉर एंटीबायोटिक्स मतलब कि हम जाते हैं फॉर एंटीबायोटिक्स वेन वॉमिटिंग हैज़ स्टॉप्ड ठीक है कॉलेरा टाइफाइड इनमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं बाकी जो भी होते हैं जैसे स्टैफ और हैं या फिर दूसरी ऑर्गेनिजम हैं उनमें हम नहीं देते हैं क्योंकि दे आर सेल्फ लिमिटिंग ठीक है जो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं दे इज़ नो यूज़ ऑफ गिविंग या फिर जो वायरल होते हैं देर इज़ नो यूज़ ऑफ़ गिविंग एंटीबायोटिक्स देन वी कम टू एक्यूट डायरियल डिजीजेस डायरिया क्या मतलब होता है पैसेज ऑफ लूज और लिक्विड और वाटरी स्टूल्स ठीक है फॉर मोर देन थ्री टाइम्स अ डे जनरली इंसान दो से एक बार जाता है एक दिन में पर अगर तीन बार से ज़्यादा जा रहा है एक दिन में देन ही कैट हैव डायरिया एंड मोर रिसेंटली वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कितने नंबर ऑफ स्टूल्स है वी आर मोर इंटरेस्टेड कि कितनी कंसिस्टेंसी है कितने कैरेक्टर है क्या वो वॉटरी है क्या वो क्ले है क्या वो uh, बहुत ज़्यादा फ्रीकुेंसी uh, uh, है एंड ऑल दैट स्टाफ ठीक है या फिर उन्हें ब्लड तो नहीं आ रहा है एंड दैट अगर ब्लड आता है डायरिया में दैट इज़ डेंट्री ठीक है डायरिया इज़ अ सिम्टम इट इज़ नॉट अ डिजीज़ ठीक है डायरिया इज़ अ सिम्टम ऑफ मेनी डिजीजेज बाय कॉज बाई डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स क्लिनिकल टाइप्स की बात करें तो हमें वो बता देता है कि अंदर की अंडरलाइन पैथोलॉजी क्या है एक्यूट वॉटरी डायरिया ठीक है इसमें क्या है कि सेवरल लास्ट टू डेज में आप कब से स्टूल्स पास कर दे दैट आर वॉटरी एंड दिस इज द डेंजर फॉर डिहाइड्रेशन ठीक है डिहाइड्रेशन हमारा मेन कंसर्न होता है एंड इसमें पैथजेंस होते हैं कॉलेरा जो भी हमने पढ़ा ई ईकोलाय एंड रोटा वायरस रोटा वायरस वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बच्चों को कर देता है लेस देन टू ईयर्स के बच्चों को बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट करता है एक्यूट ब्लड डायरिया दिस इज़ नोन एज डायसेंट्री इसमें दिक्कत क्या होती है क्योंकि इंटेस्टाइनल मिकोजा को डैमेज हो रहा है देन देर इज़ ब्लड सो क्या हो सकता है कि जो बैक्टीरिया है वो अंदर जा सकता है या फिर जो फ्लोरा जी आई टी का वही अंदर जा सकता है दैट कैन कॉज सेप्सिस माल न्यूट्रिशन कैन बी देयर ठीक है एंड ब्लड आता है स्टूल्स में तो वो भी दिक्कत की बात होती है जो देखते हैं दैन दे लोग डर जाते हैं देख कर सो ब्लडी स्टूल्स एंड इसका एग्जाम्पल शिगेला है एंड शिगेला इज मोस्ट कॉमन बैक् डायरियल डिजीज दैट इज़ रिलेटेड टू मॉर्टेलिटी जनरली लोगों को डायरिया होता है दे आर सेल्फ लिमिटिंग खुद ठीक हो जाते हैं बट शिगेला इज़ रिलेटेड टू मॉटेलिटी परसिस्टेंट डायरिया मतलब अगर किसी को चौदह दिन से ज़्यादा डायरिया हो रहा है दैट इज़ अ डेंजर फॉर मैल न्यूट्रिशन क्योंकि वो खा नहीं पा रहे मतलब वो खा भी रहा है तो इट इज़ गोइंग वेस्ट ठीक है एंड सीरियस नॉन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए भी हो सकता है एंड डिहाइड्रेशन कैन ऑल्सो भी दियर बट मेन डेंजर इज माल न्यूट्रिशन एंड ये पेशेंट्स में दिखते जो हैं जो इम्यूनो सप्रेस हैं लाइक एड्स ओके इलनेस लाइक एड्स डायरिया सीवियर माल न्यूट्रिशन में भी दे सकता है लाइक मेराजमज एंड पॉशर ठीक है तो इसमें मेन डेंजर्स क्या है एक तो सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकता है डिहाइड्रेशन हार्ट फेलियर वाइटामिन एंड मिनरल डिफिशेंसी ठीक है क्वेश्चेकर एंड मराजमस और बेसिकली पी ई एम ऑफ चाइल्ड हुड ये बच्चों में ज़्यादा होते हैं ठीक है डायरिया की बात करें इट इज़ द मेजर किलर इन चिल्ड्रेन जो डायरियल डिजीज जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं वो अंडर फाइव मॉर्टेलिटी में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं ठीक है मोस्ट ऑफ द डेथ अकर्स लेस दैन टू ईयर्स ऑफ एज वो ज़्यादा सक्सेप्टेबल है इंसिडेंट्स कम नहीं हुआ है डायरिया का पर मोटेलिटी कम हुई है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ओ आर एस वैक्सीन्स डायरिया इज द लीडिंग ऑफ कॉज ऑफ डेथ ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी, फॉर एग्जाम्पल अगर वही उत्तराखंड में अगर फ्लड आई तो लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे वो उनको कैंप्स में डालेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा शेल्टरिंग होगी कैंप्स बनेंगे या फिर फॉर एग्जांपल स्लम्प्स की बात कर लें तो यहाँ पे क्या होता है क्योंकि यहाँ वाटर सप्लाई अच्छा नहीं है और सभी उस वाटर सप्लाई को यूज़ कर रहे हैं दे कैन हैव दीज डायरियल डिजीजेज़ सो अगेन हम इसको डिजास्टर मैनेजमेंट भी ज़रूर पढ़ेंगे एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम लैक ऑफ एडिक्ट हेल्थ सर्विसज ट्रांसपोर्ट ये भी मतलब हमें ट्रीट नहीं करने देते हैं डायरियल डिजीज़ को ठीक है दीज आर वेरी हैवी इकोनॉमिक बर्डन ऑन हेल्थ सर्विसेज एंड हमने इसको कैसे टैकल किया है बाय यूजिंग ओ आर एस इट इज़ अ सिंपल सोल्यूशन ठीक है अब डायरियल प्रिवेंटर इंडिकेटर्स क्या अगर किसी एरिया में सेफ वाटर सप्लाई है इम्प्रूव सैनिटेशन है अगर वन ईयर ओल्ड का बच्चा इज़ इम्यूनाइज अगेंस्ट मीजल्स मैंने पता है मीजल्स कॉज मैल न्यूट्रिशन मैल्यूट्रिशन इज अ रिस्क फैक्टिव फॉर डिहाइड्रेट फॉर डायरियल डिजीजेज अगर इन बच्चों को मैल्यूट्रिशन में डायरिया हो जाएगा दैन इट अकर्स एज अ सीवियर डायरिया इट इज़ नो लॉन्गर ए सिम्टोमेटिक इट इज सीवियर वाइटमिन ए सप्लीमेंटेशन भी देते हैं हम देखेंगे आगे क्यों ओ आर एस पैकेट ओ आर एस अगर नहीं है तो यू कैन मेक होम मेड फ्लूड्स वो हम आगे देखेंगे कैसे बनाते है तो हैं एंड कंटिन्यूट फीडिंग ठीक है अगर दो साल से कम का बच्चा है देन यू हैव टू ब्रेस्ट फेड हिम ठीक है मतलब छः साल से कम का बच्चा है डायरिया इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली इंफेक्शियस ठीक है देन वायरसिज में रोटा वायरस इज वेरी इंपॉर्टेंट देन वी हैव बैक्टीरिया में कम्पालोबैक्टर जिजुनाए ईकोलाय शिगेला सालमोनेला विब्रियो बैसेलासीस टैफोरियस क्लास्ट्रेडियम पफरेंज क्लास्ट्रेडियम डिफिसिल अभी हम यहाँ पढ़ेंगे ई ईकोलाय कम्पालोबैक्टर है एंडशला बाकी हम सब आगे पढ़ चुके हैं देन अदर्स में वी हैव इ हिस्टोलिटिका वी हैव जे आर डी एंडस्ट एनालिस वी हैव क्रिप्टोस्पोरेडियम क्रिप्टोस्पोरेडियम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये एड्स के पेशेंट में होता है अभी जो हमने पढ़ा था ना कि परसिस्टेंट डायरिया है दैट इज बिकॉज ऑफ क्रिप्टोस्पोरेडियम पावर देन रोटा वायरस की बात करें तो हम वायरसिस में आ गए रोटा वायरस इज लीडिंग कॉज ऑफ सीवियर एंड डिहाइड्रेटिंग डायरिया इन चिल्ड्रन लेस देन फाइव रोटा वायरस री इन्फेक्ट कर सकता है पर इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो ज़्यादा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होता है एंड इट इज़ इन विंटर्स ठीक है जो स्टूल्स एंड वामिट हैं उनके जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनके में ये बहुत ही हाई कंसनट्रेशन में निकलता है एंड इट इज़ ऑल्सो फीकोरल एंड वायोफोमाइट्स बैक्टीरियल कॉजेज की बात करें वी हैव डिस्कस कॉलेरा वी हैव डिस्कस सालमोनेला वी हैव डिस्कस्ड शिगेला ठीक है पर शिगेला में आगे कारेंगे ई ईकोलाय कंपालोपेक्टोजिजोनाय ठीक है दी आर मोस्ट कॉमन कॉज ठीक है देन जो इंटेरोजेनिक एस्ट्रिकिया कोलाय एस्ट्रिकोलाय इसके मतलब जो ई ईकोलाय e. उसके पांच स्ट्रेन्स होते हैं पिता करके हम याद करते हैं तो टी एस्ट फॉर टॉक्सिकोजेनिक एंड इट कॉज एक्ट वॉटरी डायरिया इन बोथ अडल्ट एंड चिल्ड्रेन जनरली जो डायरिया होता है इट इज़ इन चिल्ड्रेन बट दिस इज़ ऑल्सो इन अल्ट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेवल्स डायरिया जो फॉर एग्जाम्पल डेवलप कंट्रीज है जैसे यू एस जहाँ पर डायरिया इतना कॉमन नहीं है और वो फिर वो इंडिया में आते हैं ठीक है ठीके? तो उनको डायरिया होने के चांसेज ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनमें वो इम्यूनिटी नहीं है जो हम में है ठीक है जो ई टी सी है दैट डज नॉट ई टेक है दैट डज नॉट इन्वेट द बावल मिकोजा ठीक एंड अगेन इट इज़ लाइक टॉक्सिन्स की वजह से होता है मोस्टली बैक्टीरिया टॉक्सिन्स की तरह करते हैं इनकोमेंटेरोटॉक्सेंस कहते हैं एक्सोटॉक्सेंस कहते हैं सो टू टॉक्सिन्स आर हीट लेबैल एंड हीट स्टेबल जो हीट लेबैल टॉक्सिन है दैट इज़ रिलेटेड टू कॉलेरा लाइक टॉक्सिन जैसे मैंने आपको बताते हैं कि सैकलिक एम बढ़ जाता है ई टैक इज अगेन फैलता कैसे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर सालमोन एला क्या करता है इन्फ्लेमेशन करा देता है बावल एपिथीलियम पर विब्रो कॉलेरा ऐसा नहीं कराता है हमने पहले भी पढ़ा था कि जस्ट इंक्रीजेस साइक्लिक की एम पी आइन्स की कंसनट्रेशन ल्यूमन में बढ़ती है एंड वाटर फॉलोज कंपालो पैक्टोजिजोना इट इज ऑल्सो ग्राम नेगेटिव रॉड जस्ट लाइक कॉलेरा कॉलेरा का भाई होता है ये ठीक है बट इट इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एंटराइटिस पर यह कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता शिगेला में आता है एफ टोल्ड यू इट इज़ रिलेटेड टू मॉर्टेलिटी इन डायरियल डिजीज़ क्योंकि इससे सेप्स हो सकता है अदर थिंग इज जी आर डिया ठीक है जी आर डिया इज़ ऑल्सो वो इन डायरिया ठीक है जनरली जो कैंपर्स होते हैं उनमें ये होता है जो जंगल में जाते हैं एंड इट फरिशेज इन डोनम जेडोनम क्रिप्टोस्पोरेडियम पावम ठीक है इट इज़ दॉक्सीडियन पैरासाइड ये इमिनो डिफिशेंट पेशेंट्स में कराता है ठीक है एंड मोस्ट ऑफ द केसेज का वो होता है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में होता है देर आफ्टर जो इन्फेक्शन है यार आर एसिम्टोमेटिक एंड सीवियर जनरली उनमें तो जो सीवियरली माल नरिश्ड हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को मीजल्स है अगर उसको ये हो गया ठीक है एड्स का पेशेंट है क्रिप्टोस्पोरेडियम इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ परसिस्टेंट डायरिया विद वेस्टिंग डायरिया में भी कॉज्ड बाय पेरेंट्रल इन्फेक्शन ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ई एन टी का इन्फेक्शन है रेस्पिरेट्री इन्फेक्शन है मलेरिया है मैनजाइटिस है तो उससे भी डायरिया हो सकता है माल न्यूट्रिशन लाइक पॉशेकर्स फ्रू सीलिया डिजीज पलाग्रा पलाग्रा में अपने थ्री डीज पड़े होंगे ना डिमेंशिया डोमेटाइटिस एंड डायरिया तो उसमें भी मिलता है डायरिया न्यूबॉर्न्स में नहीं मिलता है अगर मिलता है तो इसका मतलब ये है कि उनको कोई इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है ठीक है या फिर उनमें कोई इंजाइम डेफिशेंट है इट इज़ ऑल्सो सीन इन सेप्टी सीमा किसी को सेप्टी सीमा या फिर नेक्रोटाइजिंकोलाइटिस है तो उसमें भी मिलता है सो इट कैन बी इन्फेक्शियज इट कैन जेनेटिक ठीक है इट कैन बी रिलेटेड टू न्यूट्रिशनल डिजीजेस ठीक है नॉट सो जेनेटिक देन अगर एक बच्चे में एक बच्चे में तीस दिन से ज़्यादा डायरिया है देन इट इज़ नोन एज एड्स ठीक है अगर किसी बच्चे में तीस दिन से ज़्यादा डायरिया है देन इट इज़ परसिस्टेंट डायरिया एंड दस इज द डेफिनेशन ऑफ एड्स इन चिल्ड्रेन ठीक है तो इन चिल्ड्रेन को मीजल्स होता है जिन बच्चों को मीजल्स होता है उनको भी डायरिया होने के चांसेस होते हैं